खुश बदा है भावे कै थड़थली दे विच वधे, भला आदमी कै ना कै दी भली दे विच वधे। असा अपनी मिट्टी को बस बाग दे दाता करने, बाग तो सारा संग तरे दी डली दे विच वधे। ताहिर शिराजी नाम है मेरा, हाँ अदब से वाबस्तगी रखता हूँ। जहाँ तक सईद अख्तर सियाल की बात है तो मेरी और उसकी दोस्ती कोई 26-27 साल पर मुहित है। तो वो सराइकी से वाबस्ता थे, मैं ज़्यादातर उर्दू से वाबस्ता था। सराइकी में उन्होंने नसर में भी बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा जो नसर में वो उनका काम जारी था वो था सराइकी ज़बान की आलमी ज़बानों और मकामी ज़बानों से जुड़त, जिस पर उसने बहुत सारा काम कर लिया था, लेकिन वो अभी तकमील उसकी नहीं हुई थी तो वो रह गया है। उसने पहले नज़्म लिखी, नज़्म में भी उसने कमाल किया, देरा सिंध किनारे और उसके बाद विसाख। तीसरी जो उनकी एक उन्होंने कमाल किया कि नोक के नाम से नसरी सराइकी शेरी मजमुआ वो लाए। सराइकी में पहला नसरी शेरी मजमुआ है जो मुकम्मल नसरी नज़मों पर मुश्तमिल है, तो उसे भी अवार्ड से नवाजा गया। और कुछ ख्याल ऐसे होते हैं को जो गज़ल में अपना इजहार चाहते हैं, तो इसी ज़िमन में मैंने उसे गज़ल का मशवरा दिया। और जब एक दिन उसने मुझे एक गज़ल सुनाई जिसका मतलब था कि जेड़े वेले आपड़े उत्ते खुलते हैं पानी दे भी चूने वांगू घुलते हैं, जब मैंने सुना तो मुझे सईद पर बिलाशुबा फ़ख्र हुआ कि जिसने कभी गज़ल नहीं लिखी जो नज़्म का शायर है वो इस हक तक हक अदा कर सकता है। इसी का एक और शेर है कि जिसमें डेरा इस्माइल ख़ान और सराइकी की सारी महरूमियाँ और सारा कर्ब आ जाता है कि उभे कूजे लम्बे नाल मिलाया है असा टोटे त्रुटि यूं पुल दे हैं। तो ये जो टोटा पुल का टोटा है या पुल का टुकड़ा है जो टूटी हुई पुल का है, ये एक इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। तो उसके बाद तो वो संजीदा हो गया, उसे भी गज़ल की सनफ पसंद आ गई। 3-4 डायरियों से बहुत सारे औराक से उनकी गज़लें जो थीं वो मुझे मिल गईं, तो मैंने उन्हें एक रजिस्टर पर तरतीब में लिख दिया। कुछ काफियाँ भी थीं, 55 से 60 तक की गज़लें हैं, उसके अलावा चंद काफियाँ हैं और ये गीत भी हैं। मैं एक शेर सुनाऊँगा कि सुनवण है जो दर्शन आप सदैंदा पे वैलो कतरा बूहड़ तक टुर जुलते हैं। तो ये दर्शन, ये बरगद और ये चीज़ गौतम बुद्ध से वाबस्ता है कि उसे बरगद या पीपल, दो रिवायतें हैं, उससे निर्वाण मिला था। तो एक तो ये हवाला है, दूसरा ये है कि ये जो दरख्त है ये खुद दर्शन है अल्लाह का, ये खुद एक जलवा है कुदरत का, ये फितरत का सबसे बड़ा इजहार है, फितरत के तर्जमान है। तो एक हम जो उन्होंने दरख्तों से मोहब्बत सिखाई है, तो गाने देवी चल डांद है आदम नाल जमाना डांद मुहिम जदाड़ो वाला टली दे विच वत है, वो टली हमसे गुम हो गई है जो होती थी। तो ये एक आम बात को, ज़ाती बात को आफाकी जब बंदा उस वक्त करता है जब उसे गहरा असरी शऊर होता है। तो मैं इस बात से, मैं भी गज़ल का शायर हूँ तो मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ उसकी शायरी से कि उसने जो भी लिखा है कमाल किया है। एक और शेर है उसका कि खुश वदाए भावे कै थड़थली दे विच वधे, भला आदमी कह ना कह दी भली दे विच वधे। असा अपनी मट्टी को बस बाग दे दादा करने, असा अपनी मिट्टी को बस बाग दे दादा करने, बाग तो सारा संगतरे दी डली दे विच वधे। वो संगतरे की काश में क्या है, वो बीज है। तो यही प्रोसेस इसी दुनिया में इसी एक बीज में है, फिर जब बाग बन जाते तो फिर बीज का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये चीज़ें, किसी बात को आफाकी करना, ये तब आता है जब आपके यहाँ गहरी रियासत मिलती है और गहरा असरी शऊर मिलता है। पहले तो हमारा इरादा है कि उनके तमाम शेरी मजमुआ जात जो हैं उनको एक कुलियात की शक्ल में इकट्ठा किया जाए। उन्होंने लोगों को लिखने पर उकसाया,
उनके पोशीदा जोहर दरियाफ्त किए और आज वो साहिब किताब है। हम एक शादी के में शिरकत के सिलसिला में टांग गए तो एक आदमी जो दूल्हा के करीब ठहरा हुआ था वो नीचे उतरा और आगे बढ़कर उसने सईद को गले लगाया, उस सईद का हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक ले गए। जब वापस आकर हम खाने की टेबल पर बैठे तो मैंने एक पूछा कि सईद साहब ये खूबसूरत सा नौजवान कौन था? वो मुस्कुरा पड़े और मुझे कहा कि ताहिर ये बंदा मेरे पास आया था, गरीब आदमी था, तो इसने कहा कि आप बड़े अफसर हैं तो आपके बैंक में कहीं कोई क्लर्क की जगह या इसी तरह के मुतवाजी कोई जॉब है तो मेरी ज़रूरत है, आप मेरे लिए कुछ करें। तो मैंने इसे कहा कि 6 महीने तुम मेहनत करो, मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, तालीमी रिकॉर्ड। 6 महीने उसने तैयारी की तो जो पहला मुकाबले का इम्तिहान हुआ तो उसने उसमें दाखला ले लिया, वो शामिल हो गया कि ट्रायल बेस पर कि ताकि तजुर्बा हो जाए, और वो उसी में क्लियर कर गया। वो उस वक्त टांग का असिस्टेंट कमिश्नर था जो क्लर्की के लिए आया था, जब उसे गुस्सा आता था या किसी की बात बुरी लगती थी तो खामोश हो जाता था, बस इतना सा वो शख्स था जो अब हम में नहीं रहा।